नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन की जो एग्जाम डेट आई है, जिसपे रेलवे की ऑफिशियल साइट पर खुद आया हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको देखना है एग्जाम डेट और एग्जाम जो है आपका कौन सी डेट को रखा गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी पर मैं आपको रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ सबकी तैयारी करवाने वाला हूं। कल से मैं अनअकैडमी पर कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, मैथ के, रीजनिंग के और आपके जीके के। तो दोस्तों आज ही अपन एकेडमी पे ऐड हो जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पूरा नोटिस देख लेते हैं। नोटिस डाउनलोड कैसा करना है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, इसमें आपका टाइम खर्च होगा। केवल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ऑफिशियल साइट है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस लिंक पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट नोटिस डाउनलोडिंग पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं कि आपका जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले जो आपका एग्जाम है वो एएलपी और टेक्नीशियन का होगा। तो दोस्तों उसी के मुताबिक एएलपी का एग्जाम होएगा। दोस्तों सबसे पहले आपका एएलपी का एग्जाम होगा। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो अभी नहीं रखा गया है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका अभी नहीं रखा गया है, अभी केवल एएलपी और टेक्नीशियन का रखा गया है। तो दोस्तों जिसमें लिखा है नोटिस ऑन फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, जिसको आप सीबीटी बोलते हैं। और दोस्तों फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है आपका 9 अगस्त कब दोस्तों 9 अगस्त और आज है आपकी 21 जुलाई। मुश्किल से अगर आप मान के चलेंगे तो कम से कम आपके पास, अगर अच्छे से मान के चलें, मेरे हिसाब से देखें तो केवल 16 से 17 दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन भी पूरा आपका बीत चुका है, 16 से 17 दिन है। इस तरीके से जुड़ जाइए, इस तरीके से कि आपको ये ना लगना चाहिए कि 16 से 17 दिन आपके कम है, पर्याप्त दिन है, आराम से तैयारी हो सकती है जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, कहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अनअकैडमी पर अभी फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर मैं आपको सारे कोर्सेज ऑनलाइन करवाने वाला हूँ, सारे। जी हाँ दोस्तों, डेली 5 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा आपके लिए, डेली 5 वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो मॉक लिंक ऑफ फर्स्ट स्टेज का जो है वो आपका 26 जुलाई को एक्टिवेट हो जाएगा। जिनको पासिस मिलते हैं एससी एसटी वालों के लिए, तो वो सारा कुछ 26 जुलाई के बाद देख पाएंगे। और आपका जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आप देख पाएंगे, एग्जाम से 4 दिन पहले। कितने दोस्तों 4 दिन पहले। तो ये सारी डेट आपकी खुद ऑफिशियल नोटिस पे आई हुई है रेलवे बोर्ड की साइट पर। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से देख सकते हैं, 20 दिन काफ़ी पर्याप्त हैं, 16-17 दिन मान के चलिए आप। एक दो दिन आपका रिवीजन में निकल जाता है, इसलिए मोस्टली आप 16-17 दिन मान के ही चलिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाइए। 9 अगस्त को पेपर है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आपको मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और रेलवे की जो तैयारी है वो केवल अनअकैडमी पर भी करवाऊंगा। तो आप अनअकैडमी से जरूर ऐड हुईगा, क्योंकि वहीं पर आपको फायदा मिलने वाला है। सारा कुछ मैं आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से ऐड हो जाइए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।